वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा करी वैष्णव गदामी छया दोष स्वधी छय गुना देहा दासे छया बे गदामी छया दोष स्वधी छय गुना देहा दासे आ छया सत संग दे हमारे छया सत संग दे सची संगेरा सची संगेरा आए काकिया माल नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तनी काकिया माल नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तनी तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया कृष्णा नाम धारी कृष्णा नाम धारी आ कृष्णा से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार सकिया कृष्णा से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हार सकिया अमित संगाल कृष्णा कृष्णा बली अमित पाचे पाचे दाई सब पाचे पाचे वही वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दास करुणा करी वही वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे दास करुणा जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गीताई गौरंग जय गीताई गौरंग गीताई गौरंग जय गीताई गौरंग जय सचिनंदन जय गौरहारी जय सचिनंदन जय गौरहारी जय सचिनंदन जय गौरहारी जय सचिनंदन जय गौरहारी हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोला हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे सब ताली बजाते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा सुंदर गोपाल स्वामी कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल कावन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे गुलदान गली में राधे राधे गुलदान गली में राधे राधे कुंज गली में राधे 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 जय जय श्री राधे पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ज्ञानति मीरांदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो अभी गुरुदेव की ऐतिहासिक कृपा से जिस स्थान पे हम आए हैं गोकुल महावन, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पे हुआ है? मथुरा या गोकुल? कौन कौन मथुरा कहते हैं हाथ ऊपर करो। तीन चार पंडित हैं यहाँ पे बस। भगवान कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है। मथुरा में तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन यशोदा मैया के गर्भ से जहाँ उनका जन्म हुआ है, फिर नाड़ी छेदन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? यही गोकुल में हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारी लीला स्थलियां हैं। सबसे पहले जिस स्थान पे हम आए हैं ये है चिंताहरण महादेव। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सब लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उतने में शिवजी भी भगवान का दर्शन करने के लिए कैलाश से चलना शुरू करते हैं। तो शिवजी, जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। माताओं को तो पता होगा। तो शिवजी ने भी श्रृंगार करना शुरू किया। क्या श्रृंगार किया? कानों में कुंडल पहने। कौन से कुंडल? सर्प के कुंडल। गले में माला पहनी, वो भी सर्प की माला। अब शिवजी पूरा बहुत सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे हैं। पार्वती जी बोलती है, कहाँ पे जा रहे हो आज? तो बोलते हैं कि आज मैं जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने, गोलोक में, गोकुल में उनका जन्म हुआ है। तो जब शिवजी यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रजवासी हैं। शिवजी एक योगी का वेश धारण करके आते हैं और यशोदा मैया के जब आंगन में पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनके उस रूप को देख के सब लोग डर जाते हैं। जब सब लोग डर जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि अरे भाई, ये कैसा योगी है,
इसके तो सारे चारों तरफ सर पे सर्प लटका हुआ है और पूरी इसने शरीर पे क्या लगा के रखी है, भस्म लगा के रखी है। तो वहां पे अब यशोदा मैया देखती कि जब इसको देख के मैं डर गई तो मेरा छोटा लाला तो वैसे ही रोना शुरू कर देगा, उसका तो अभी ही जन्म हुआ है, तो मैं उसको इसके पास लेके नहीं आने वाली। तो शिव जी बहुत प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाए, लेकिन मैया आज कृष्ण को बाहर ही नहीं लेके आ रही है और ये भी अंदर जा नहीं सकते हैं। तो शिव जी फिर यहीं पे आके यमुना जी के तट पे बैठ के रोना शुरू करते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे मुझे कृष्ण के दर्शन हो तो हो कैसे। तो यहाँ पे वो चिंता में पड़ गए, फिर भगवान ने किस प्रकार से उनको दर्शन दिए हम सुनेंगे, इसलिए हुआ चिंता हरण। यहाँ पे भगवान ने उनकी चिंता का हरण किया। अब जब यहाँ पे वो बैठ जाते हैं तो वो भगवान की कमजोरी को जानते हैं, कृष्ण जी की कमजोरी है राधा रानी, तो यहाँ पे राधा जी का नाम लेना शुरू करते हैं और मन ही मन में इच्छा करते हैं कि देखो भाई कृष्ण ने तो दर्शन दिए नहीं, उनके पास होके आ गया, अब मैं किसके पास जाता हूँ, अगर हाई कोर्ट में फेल हो जाओ तो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में ही सीधा अपनी अर्जी लगाता हूँ। तो राधा जी का नाम लेना शुरू किया, जब यहाँ पे उन्होंने राधा जी का नाम लेना शुरू किया, दर्शन की इच्छा है, तो वहां पे फिर भगवान कृष्ण एक लीला रचते हैं, भगवान कृष्ण रोना शुरू कर देते हैं। अब कृष्ण रोते जा रहे हैं, मैया बहुत प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से तो लाला चुप हो जाए, जब बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, पहले उसको दूध पिलाती है स्तन से, नहीं तो उसको पानी पिलाती है, नहीं तो उसको सुलाती है, लोरी सुनाती है, कुछ ना कुछ किसी प्रकार से बच्चा चुप हो जाए। तो अब बहुत प्रयास किया लेकिन अब कृष्ण चुप ही नहीं हो रहे, रोते ही जा रहे हैं और रोना उनका बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे ये राधा जी का नाम लेते जा रहे हैं। अब उतने में ही क्या होता है, सब गोपियां बोलती है अरे यशोदा हमें लगता है वो जो योगी आया था ना, वो योगी कोई ऐसा वैसा योगी नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा श्रेष्ठ योगी होगा और तूने उसको दर्शन नहीं दिए, उसको तूने रुष्ट कर दिया, इसलिए तेरा लाला रो रहा है। अब किसी प्रकार से उस योगी को वापस बुला के लाते हैं। तो यहाँ पे रोहिणी मैया कुछ गोपियों को भेजती है और गोपियां यहाँ पे आती हैं और शिव जी को बोलती है बाबा चलो चलो आपको यशोदा मैया बुला रही है नंद भवन के अंदर। बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा वहां पे, अभी तो उसने मुझे वापस भेज दिया। बोले नहीं नहीं मैया नहीं हमें भेजा है बुलाने के लिए, चलो आप हमारे साथ। तो यहाँ से फिर पूछते हैं शिव जी, पास में ही अभी हम जाएंगे जहाँ पे 84 खंबे वाला मंदिर है, और वहां पे जाके जब शिव जी पहुंचते हैं तो मैया सोचती है कि मैं अपने लाला को क्या करती हूँ, गोदी में लेके आती हूँ और पूरा चुनरी से ढक के लेके आऊंगी, एक क्षण के लिए दर्शन कराऊंगी और वापस अंदर ले जाऊंगी। अब जैसे ही यशोदा मैया बाहर आती है कृष्ण को गोदी में लेके कि अभी कृष्ण के दर्शन होंगे, तो जो शिव जी है, शिव जी की जटाओं में क्या है, शिव जी की बहुत बड़ी जटाएं हैं और जटाओं के अंदर सारे सर्प ही सर्प भरे हुए हैं। जैसे साधारण हमारे बालों के अंदर क्या होते हैं, जुएं होती हैं, तो उनके सर में जुएं नहीं है, सारे सर्प ही सर्प भरे हैं, जुओं को भी सर्प ही खा जाते हैं। तो अब शिव जी के जटाओं में इतने सारे सर्प ही सर्प हैं। जब सब सर्पों ने सोचा अरे वाह अब किसके दर्शन होने वाले हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन होने वाले, इतने सुंदर दर्शन, तो सारे के सारे सर्प उनकी जटाओं से एक एक करके बाहर आने लगे और सब बाहर आके अपनी आंखें ऐसे बड़ी बड़ी कर रहे हैं और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही है। और जब सांप की आंख बड़ी होगी तो डर लगेगा या अच्छा लगेगा, डर लगेगा। सारे सांप ऐसे झांक झांक के देख रहे हैं कि अरे वाह वाह अब तो किसका दर्शन होने वाला है, कृष्ण का दर्शन होने वाला है। अब मैया जैसे आती है, पहले तो योगी को देखा था, अब देखा योगी के सर्प के ऊपर तो पूरा का पूरा सर्प का पूरा वो बना हुआ है जंगल। तो मैया बोलती है अरे नहीं नहीं, वापस डर जाती है और लाला को अंदर ले जाती है। अरे ये देख कैसे सर्प मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, तेरे जो सर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो मानो सर्प देखते हैं भाई कृष्ण दर्शन तो करना है, थोड़ा हम अलक्षित रूप से ही दर्शन करेंगे। फिर जब कृष्ण को यशोदा मैया लेके आती है, शिव जी बोलते हैं कि देखो मैंने हजारों लाखों साल हिमालय के पर्वतों में रह के बहुत जोग कमाया है और जितना भी मैंने जोग कमाया है आज उस जोग का फल जो है एक लता के ऊपर खिला है, यशोदा रूपी लता के ऊपर आज उस जोग का फल खिला है। लेकिन देखो पता है कि मैंने जितना भी जोग किया था वो सारा का सारा जो मेरी सिद्धियां हैं वो कहाँ पे है, सारी की सारी सिद्धि मेरी जटाओं में है, क्योंकि जो योगी लोग होते हैं उनकी सारी सिद्धि कहाँ पे होती है, उनकी जटाओं में होती है। तो अब जब तेरा लाला को तू लेके आई है, मैं इसको आशीर्वाद दूंगा। कैसे आशीर्वाद दूंगा, साधारण आशीर्वाद कैसे दिया जाता है, हाथ रख के दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये आशीर्वाद देने आए हैं लेने आए हैं, ये तो लेने आए हैं। तो जैसे ही यशोदा मैया अपने आंगन अपने पालरे में जैसे यहाँ पे गोदी में रखा हुआ कृष्ण को जैसे ही अपना दुपट्टा हटाती है, कृष्ण के दर्शन करते हैं। कृष्ण के दर्शन करते ही शिव जी तो एकदम से भूमि पे ही पूरे ढेर हो जाते हैं। कैसे उनके दर्शन है बताया, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं त्रिभंग भंगी मरूप वंशी धरी अपरूप झरे प्रेम महेवारी। कि कृष्ण का कितना सुंदर रूप है, मानो समझ में नहीं आता कि ये साक्षात नीलमणि है या फिर नीला कोई कमल है। भगवान कृष्ण का इतना सुंदर रूप जब उन्होंने दर्शन किया, भूमि पे पूरे लेट के मूर्छित हो जाते हैं और गोपियां देखती है भाई इस बाबा को हुआ क्या है, ये तो इनको आशीर्वाद देने आए थे तो खुद ही ढेर हो गया। और शिव जी की जैसी मूर्छा दूर होती है फिर यशोदा मैया को बोलते हैं देख मैया
अब मैं तेरे लाला को ऐसा आशीर्वाद दूंगा जिससे तेरा लाला जो है अमर हो जाएगा। मैया कहती है, अरे वाह मेरा लाला अमर हो जाएगा, दे जल्दी दे ऐसा आशीर्वाद। लेकिन उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसके चरण है ना, इसके चरण देखो मेरे मस्तक पे टच करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे मस्तक में क्या है, मेरी सारी जितनी भी सिद्धियां हैं वो कहाँ पे है, मेरी इसी मस्तक में है जो मेरी जटाएं हैं। तो इसके चरण तो मेरी जटाओं में स्पर्श कर दे तो तेको लाला को मेरी सारी की सारी सिद्धि मिल जाएगी और वो अजर अमर हो जाएगा। तो फिर यशोदा मैया क्या करती है, कृष्ण के चरणों को स्पर्श कराती है और शिव जी बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। और फिर शिव जी ने देखा कि भाई अब मैं यहीं पे ही अपना वास बना लेता हूँ, क्यों, यहाँ से मुझे हमेशा कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे। और यशोदा मैया को बोला, देख जब भी तेरा लाला रोए ना मुझे बुला लिया कर, मैं आके चुप करा दिया करूंगा। तो यहाँ पे शिव जी की भी उस चिंता का निवारण किया, इसलिए स्थान का नाम हुआ चिंताहरण महादेव। चिंताहरण महादेव की जय। शिव जी से क्या मांगना है, शिव जी से कृष्ण भक्ति ही मांगनी है, क्योंकि शिव जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। और थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा ही आगे जाके यहाँ पे है ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे कृष्ण ने क्या किया है, अपने मुख में मिट्टी खाई है। तो कृष्ण जो है अब जब बहुत दूर दूर खेलने जाते हैं, कभी किसी के गोपी के घर में जाके माखन चोरी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, अब यशोदा मैया इतने ताने सुन सुन के परेशान हो चुकी है। तो मैया बोलती है, लाला आज से मैं तेको बाहर जाने ही नहीं दूंगी, आज तू क्या कर अपने घर के आंगन में ही खेल। तो जो ब्रह्मांड घाट है वो गोकुल नंद भवन का आंगन का ही एक हिस्सा है। तो आज जब कृष्ण अपने आंगन में खेल रहे हैं, जब कृष्ण बाहर दूर खेलने के लिए जाते हैं तब तो वन के अंदर बहुत सारा खेल खेलते हैं, लेकिन आज घर के आंगन में ही खेल रहे हैं। घर के आंगन में तो ज्यादा बड़ी जगह होती नहीं, खेले तो खेले क्या। तो सारे सखा क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी होती है कि देखे ना, रमन रहती सारी मिट्टी ही मिट्टी है। तो सारे सखा क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर घर बनाना शुरू करते हैं और घर मिट्टी के ऊपर घर बनाते जा रहे हैं, और सब सखा बड़े सुंदर सुंदर घर बना रहे हैं। लेकिन कृष्ण आज जब वो घर बनाना चाह रहे हैं मिट्टी से, उनके हाथ से कोई घर ही नहीं बन रहा। और श्रीधाम बोलते हैं, देख देख कन्हैया मैंने कितना सुंदर घर बनाया है। अब कृष्ण देख रहे हैं कि सारे सखा तो इतना सुंदर सुंदर घर बना रहे हैं, मेरे से तो घर ही नहीं बन रहा। तो कृष्ण को खुंदक आती है, श्रीधाम का घर तोड़ देते हैं। उसके बाद श्रीधाम फिर से बना लेता है, ये फिर तोड़ देते हैं। श्रीधाम बोलते हैं, तू कितनी बारी तोड़ेगा, मैं तो बहुत कला में निपुण हूं, मैं बार बार बनाते रहूंगा। और कृष्ण से घर बन ही नहीं रहा। तो कृष्ण क्या करते हैं, थोड़ा दूर जाके बैठ जाते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं कि ये तो इतना सुंदर सुंदर घर बना रहे, मेरे से घर क्यों नहीं बन रहा मिट्टी में। और फिर उनको बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में क्या करते हैं, उसी मिट्टी को लेके, तो घर तो बन नहीं रहा है, तो उसी मिट्टी को लेके क्या करते हैं, फिर खाना शुरू कर देते हैं। तव इच्छा मत विष्णु करे न सृजन, तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार। अरे भाई, उन्हीं कृष्ण की इच्छा से विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, लेकिन वही कृष्ण आज उनसे मिट्टी में एक छोटा सा घर भी बनता नहीं है। तो जैसे उन्होंने मिट्टी खानी शुरू करी तो श्रीधाम सखा ने कृष्ण का हाथ पकड़ना चाह, लेकिन कृष्ण खाते जा रहे हैं और खा रहे हैं। उतने में वो भागा भागा गया दाऊ जी के पास। अरे दाऊ जी देखो ये कृष्ण क्या कर रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं और हमारी बात मानता नहीं है। आज जब दाऊ जी ने भी रोका तो दाऊ जी की भी बात आज मानेंगे नहीं। तो दाऊ जी भागे भागे आंगन में जाते हैं, यशोदा मैया को बोलते हैं कि मैया चल बाहर जाके देख कृष्ण क्या कर रहा है, मिट्टी खा रहा है। तो बताया कि दाऊ जी ने मैया के पास जाके क्यों शिकायत लगाई, दाऊ जी सोच रहे अरे वाह, जैसे महाराज जी भी बता रहे थे ना कि दाऊ जी बड़े भाई के रूप में क्यों आए थे, कि जब मैं छोटे भाई के रूप में आया था तो मेरे को सारी आज्ञा माननी पड़ती थी, आज बड़े भाई के रूप में आया तो क्या करूंगा, छोटे के ऊपर आज्ञा करूंगा। तो मानो दाऊ जी कह रहे हैं कि भाई पूरी पृथ्वी को धारण कौन करता है, मैं करता हूँ, बलराम जी करते हैं अनंत शेष के रूप में। और जब ये पहले वरा रूप में आया था तब इसने क्या किया था, जब भगवान वरा रूप में आए थे तो पूरी पृथ्वी को अपने नासिका के उसमें ऊपर उठाया था। तो जब ये वरा रूप में आया था इसने इस पृथ्वी को रसदल से उठाया, मेरे से पूछा था क्या, मेरी बिना आज्ञा के उठाया। जब उसके बाद ये त्रिविक्रम रूप में आया तब इसने क्या किया, तीन पग में भूमि नाप ली, तब भी मेरे से पूछा क्या, तब भी नहीं पूछा। अब तीसरी बार जब मिट्टी खा रहे तो कम से कम इसे पूछना तो चाहिए, इसका स्वामी कौन है, इसका स्वामी तो मैं हूँ। तो मानो दाऊ जी जाके मैया को बोलते हैं, देख लाला क्या कृष्ण क्या कर रहा है, मिट्टी खा रहा है। मैया बाकी सखाओं की बात माने ना माने लेकिन दाऊ जी की तो मान लेती है। अब यशोदा मैया यहाँ पे आती है, जब यशोदा मैया यहाँ पे आती है कृष्ण अभी तो खा रहे थे मिट्टी, और जैसी यशोदा मैया को देखा उनका मुख क्या होता है, भयभीत हो जाता है। यशोदा मैया आती है और कृष्ण का ऐसे एक हाथ पकड़ लेती है, ऐसे कस के कृष्ण का जैसे ही हाथ पकड़ लेती है कृष्ण बहुत डर जाते हैं। और कृष्ण बोलते हैं, मैया तू एक बात बता, मैं जो मिट्टी खा रहा हूँ अपने घर की खा रहा हूँ, उनके घर की खा रहा हूँ, अगर मिट्टी भी खा रहा हूँ तो अपने घर की तो खा रहा हूँ। अगर मैं अपने घर की मिट्टी खा रहा हूँ, जब ये सखाओं से सहन नहीं हो रहा, उसमें इनको इतना द्वेष हो रहा है कि ये मिट्टी खा रहा है, तो मैया जब मैं छाछ खाऊंगा, मक्खन खाऊंगा, मिश्री खाऊंगा, इनसे सहन होगा क्या,
जब ये मेरे मिट्टी खाते ही नहीं देख पा रहे, तो ये सारे सखा सब झूठ बोलते हैं, ना हम भक्ष्यामी, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई है। लेकिन अब प्रश्न है कि वहां पे कृष्ण झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, बताओ। वो तो खाई है मिट्टी, और भगवान कह रहे मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो भगवान कभी झूठ बोलते हैं क्या? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान का काम ही क्या, भगवान का नाम है सत्य, सत्य प्रतिष्ठित तो कृष्णा, सत्य की प्रतिष्ठा कृष्ण से ही हुई है। वहां पे जो भगवान कृष्ण ने जो मिट्टी खाई उसके बहुत सारे कारण हमारे गुरुवर बताते हैं। लेकिन आज जब यशोदा मैया ने कृष्ण का हाथ पकड़ा हुआ है, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, जैसे मानो कोई व्यक्ति अगर दंड करता है कि किसी ने अपराध किया, अगर वो झूठ भी बोले तो उसकी आंखें झूठ बोल पाती है, आंख सच बोल देती है। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, मैया के साथ आंख भी नहीं मिला पा रहे, मैया ने हाथ पकड़ा हुआ है और कृष्ण कभी बाएं देख रहे हैं कभी दाएं देख रहे हैं, आंख नहीं मिला पा रहे। क्यों? क्योंकि आंख कभी झूठ नहीं बोल सकती है। और वहीं पे ही कृष्ण क्या करते हैं, देखो पूरे जगत को कृष्ण क्या करते हैं, अभय प्रदान करते हैं। भगवान ऐसे खड़े होते हैं ना, देखे ना, आशीर्वाद देते हैं, भगवान सबको अभय प्रदान करते हैं। वही भगवान के हस्त कमल जो सबको अभय प्रदान करते हैं, आज वही हाथ क्या हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, यशोदा मैया ने उसको पकड़ लिया है। तो सोचो ये ब्रज का कैसा प्रेम है। और वहां पे कृष्ण बहुत घबरा जाते हैं। अब मनी मन वहां पे क्या करते हैं, पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी को क्यों देखते हैं, कि जब भगवान कृष्ण का भी अवतार नहीं हुआ था, पृथ्वी बहुत कंस के अत्याचार से पीड़ित हो गई थी, और यही पृथ्वी क्या करती है, कंस के अत्याचार से पीड़ित होके जाती है कृष्ण के पास गाय के रूप में, और वहां पे जाके भगवान से प्रार्थना करती है कि आप मेरी रक्षा करने के लिए आओ। आज वही कृष्ण पृथ्वी को बोल रहे हैं, देख मैं तेरी रक्षा करने के लिए किस रूप में आया, कृष्ण रूप में आया। आज मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरी रक्षा कर, किससे, इस यशोदा मैया से। अगर इससे मेरे को देख लिया मिट्टी खाते हुए, तो बहुत मेरे को आज मार पड़ने वाली है। तो वहां पे यशोदा मैया ने कस के पकड़ा हुआ है। और आप लोगों ने ये सुना होगा कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, कभी ये सुना कि भक्त भी भगवान की रक्षा करते हैं, भक्त भी भगवान की रक्षा करते हैं। आज भगवान की रक्षा कौन कर रहा है, यशोदा मैया कर रही है, कि ये मिट्टी क्यों खा रहा है, भक्त भी भगवान की रक्षा करते हैं। हमारे गुरुदेव जब ऑस्ट्रेलिया में थे, गुरुदेव मॉर्निंग वॉक में सब भक्तों के साथ जा रहे थे, और मॉर्निंग वॉक में ही एकदम से गुरुदेव ने बोला आग लग गई, जल्दी आग बुझाओ, जल्दी आग बुझाओ, जहां पे मैं रुका हुआ फोन करो वहां आग लग गई। गुरुदेव जिस गृहस्थ भक्त के घर पे रुके थे, तो वहां पे एक मॉस्किटो नेट था, उसके अंदर ही एक भक्त ने अपने ठाकुर जी रखे हुए थे, और उसमें एकदम से आग लग गई थी। तो गुरुदेव को पता चल गया, गुरुदेव ने बोला जल्दी फोन करो, और पता चला वहां पे हल्की सी आग लगी ही थी, एकदम बुझा दी। तो भक्त भी क्या करते हैं, भगवान की रक्षा करते हैं। तो वहां पे यशोदा मैया ने जब कृष्ण को बोला अच्छा अगर तूने मिट्टी नहीं खाई, मुख खोल के दिखा, तो वहां पे कृष्ण अपना मुख खोलते हैं, और जब अपना मुख खोल के मैया को दिखाते हैं, तो मैया क्या देखती है, वहां पे मिट्टी नहीं देखती, अनंत कोटि ब्रह्मांड देखती है। जैसे एक पानी में बहुत सारे बुलबुले होते हैं, उसी प्रकार से हजारों हजारों लाखों ब्रह्मांड वहां पे यशोदा मैया ने देखे। तो यहाँ पे तो यद्यपि बहुत सारे कारण है कि कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई, लेकिन कुछ मुख्य कारण हम लोग श्रवण कर लेते हैं। पहला कारण, भगवान कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई, जैसे कभी हम मक्खन या दही, किसी गिलास में मक्खन या दही खाते हो, उसको पानी से धोते हो तो वो साफ हो जाती है, चिकनाई रह जाती है। फिर चिकनाई को साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, मिट्टी लगानी पड़ती है। तो कृष्ण कह रहे हैं मैंने ना बहुत माखन खा लिया, अब पेट में पूरा चिकना चिकना हो गया, तो थोड़ा पेट अच्छी से साफ कर लेता हूँ, इसलिए क्या खाता हूँ, इस मिट्टी को खा लेता हूँ। एक कारण बताया कि जितने भी देवता हैं, सारे के सारे देवता प्रार्थना करते हैं कि हमें इस ब्रज के चरणों की रज मिल जाए। तो भगवान ने देखा मेरे अंदर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि यही प्रार्थना करते हैं कि मुझे क्या मिले, ब्रज के चरणों की रज मिल जाए। तो मैं आज इन सबको क्या करता हूँ, ब्रज के चरणों की रज का पान करा देता हूँ। एक ये कारण है भगवान कृष्ण का माटी खाने का। एक कारण जिससे भगवान कृष्ण ने माटी खाई, पृथ्वी का नाम है रसा। क्या नाम है, रसा। और भगवान ने अभी रासलीला करनी है, तो कह रहे मैंने रासलीला तो करनी ही है, तो पहले रसा का पान कर लेता हूँ, इसलिए भी मिट्टी खाई। और अनेक अनेक कारण से भगवान ने माटी खाई है। लेकिन उसके बाद जब विष खा लिया था, एक धनवंतरी जी जब आए थे, तो उसमें बताया गया है शास्त्रों में आयुर्वेद में, विषस्य औषधम विषम, कि विष का औषध क्या है, विष ही है। कहते ना लोहा लोहे को काटता है, तो विष विष को काटता है। तो पूतना मासी आई थी ना, पूतना मासी मुझे क्या पिला के चली गई, विष पिला के चली गई। और ये जो धरती है, धरती क्या करती है, सारे विष को काट देती है। तो मैं आज इस धरती को पान करके क्या कर रहा हूँ, अपने ही उस विष को काट रहा हूँ। दांतों का एक नाम है द्विजा। द्विजा किसको बोलते हैं, द्विजा बोलते हैं पक्षी को, ब्राह्मण को और दांतों को। क्यों, जिसका दो बारी जन्म होता है उसको बोलते हैं द्विजा। पक्षी का दो बारी जन्म होता है कैसे,
पहले अंडे से, फिर अंडे से जन्म लेता है। दांत का भी दो बारी होता है, पहले बचपन में दांत होते हैं टूट जाते हैं फिर दोबारा आते हैं। ब्राह्मण का भी दो बारी जन्म होता है, पहले तो होता है जिस प्रकार से सबका होता है, फिर जब उसको ब्रह्म गायत्री मिलती है तो ब्रह्म गायत्री के माध्यम से उसका दोबारा जन्म होता है, इसलिए उसको बोलते हैं द्विजा। दांतों को भी द्विजा बोलते हैं। तो मानो भगवान आज क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों को धरती दान कर रहे हैं, अपने ही मुख में उस धरती को पान करा रहे हैं। तो अनेक अनेक कारण से भगवान ने यहाँ पे माटी खाई। उसके बाद अब यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर एक विचार है, इस चीज को अच्छी तरह समझना। भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को क्या दिखाया अपने मुख में, अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिखाया था महाभारत युद्ध में, अपना विश्वरूप दिखाया था। जब अर्जुन को विश्वरूप दिखाया था तो अर्जुन वहां पे डर गए थे, अर्जुन का जो सख्य प्रेम है वो शिथिल हो गया था, और वहां पे उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु कौन हो तुम, परम ब्रह्म परम धाम, आप ही परम ब्रह्म परम धाम परम परमेश्वर हो, मैं तो आपको अपना सखा मान रहा था लेकिन आप कौन हो, साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान हो। वहां पे क्या उनको वो सखा मान पाए, अपना नहीं मान पाए। अब यहाँ पे जब मैया को उन्होंने विश्वरूप दिखाया तो मैया ने जब विश्वरूप देखा तो माता का जो वात्सल्य प्रेम था वो शीतल हुआ या बढ़ गया, बताया शीतल नहीं हुआ। सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं वहां पे वात्सल्य प्रेम वर्धितम, उनका जो वात्सल्य प्रेम था वो और बढ़ गया। जैसे मानो अगर बच्चा को बुखार हो जाए तो माँ का फिर क्या करते हैं, वात्सल्य प्रेम बच्चे को बुखार देख के और बढ़ जाता है। तो वहां पे यशोदा मैया सोच रही है कि कृष्ण को पता नहीं कोई जादू टोना लग गया या क्या हो गया है, इसलिए वहां पे माता का प्रेम कम नहीं हुआ, क्या हुआ, बढ़ गया। और यहाँ पे अर्जुन का क्या हुआ था, अर्जुन का प्रेम शिथिल हो गया था, खत्म हो गया था सख्य प्रेम। अर्जुन भी डर गए थे विश्वरूप को देख के, मैया भी डर गई। लेकिन अर्जुन क्यों डरे थे, अर्जुन इतने बड़े विराट रूप को देख के डरे थे, लेकिन मैया उस ब्रह्मांडों को देख के नहीं डरी। मैया इस आशंका से डर गई कि हाय मेरे लाला को क्या हो गया है, उनको इस चीज का भय लगा। फिर बताया कि देखो भगवान कृष्ण एक तरफ है, भगवान कृष्ण की भगवत्ता जो अपनी भगवत्ता दिखा रहे कि देखो मैया मैं कौन हूं, तू मुझे मारने आई है क्या, मैं तो पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने पेट में धारण करता हूं, अपना पूरा क्या दिखा रहे हैं, ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। और एक तरफ तराजू पे क्या है, मैया का प्रेम, एक तरफ है ब्रजवासियों का प्रेम और एक तरफ है कृष्ण की भगवत्ता। तो दिखाया कि ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो इतना बड़ा है जिसमें भगवान की भगवत्ता भी क्या होती है, उसके अंदर पूरी विलीन हो जाती है। इसलिए कृष्ण ने जब अपना विराट रूप दिखाना चाहा वो ज्यादा समय नहीं रह पाया, क्षण दो क्षण रहा उसके बाद चला गया। तो बताया कि यहाँ पे ये दिखाया कि किस प्रकार से जो माता का वात्सल्य प्रेम है, जो ब्रजवासियों का प्रेम है, वो इतना ऊंचा प्रेम है ब्रजवासियों का कि जिसके आगे भगवान कृष्ण की भगवत्ता भी क्या होती है, पराजित हो जाती है। फिर यशोदा मैया ने क्या किया, जब अर्जुन ने उस रूप को देखा था बहुत स्तव स्तुति गान करी थी, लेकिन यशोदा मैया ने स्तव स्तुति गान नहीं करी, मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया और गौमूत्र को बुलाया, गौमूत्र को बोला कि लेके आओ इसको, मैं गौ के मूत्र से स्नान कराऊंगी। और कृष्ण को फिर क्या किया, गौ के मूत्र से स्नान कराया। तो गुरुदेव स्थान पे ऐसे करते थे कि अगर कृष्ण दिखाना भी चाहे कि मैं बहुत बड़ा भगवान हूं तो ब्रजवासी उनको उल्टा गौमूत्र से स्नान करा देंगे और बोलेंगे भाई तू कोई भगवान नहीं है, भगवान तो हमारे विष्णु ही है, तू तो हमारा लाला ही है। तो ये वो स्थान है जो ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से माता का इतना शेष वात्सल्य प्रेम है, कैसा ब्रजवासियों का प्रेम है जिसमें भगवान कृष्ण भी क्या करते हैं, उसके आगे परास्त हो जाते हैं। और हम लोग जब इस स्थान पे आए हैं, हम लोग भिखारी बन के आए हैं, क्या बन के आए हैं, भिखारी। कभी देखे भिखारी भीख मांगता है, मांगते हो तो देखा होगा, कैसे भीख मांगता है बताओ, बहुत दीनहीन होके मांगता है, नहीं मांगता, अरे मैया पिला देना, मैया एक चाय पिला देना, सुबह से पीनी है एक चाय तो पिला दे, अरे मैया एक रोटी खिला दे, बोलते है नहीं बोलती, ऐसे तो नहीं बोलती ना, रोटी खिलाई हो अच्छा चाय पिला दे, ऐसे बोलती है। जब हम दुकानदार के पास जाते हैं तो हम उसको ऑर्डर देते हैं भाई चल भाई चाय लेके आ, लेकिन भिखारी क्या करता है, बहुत दीनहीन होता है, एक बारी बोलने से हम लोग उसको दे देते हैं, जब वो पीछे पड़ जाए तो फिर देना ही पड़ता है, तो यार पीछे ही पड़ गए देना ही पड़ेगा। तो हम लोग इस स्थान पे क्या बन के आए हैं, भिखारी। क्या भीख मांगने के लिए आए हैं, ये ब्रज प्रेम मांगने के लिए आए हैं। हम सब लोग अभी 6 दिन के लिए हम सब लोग भिखारी हैं, इसलिए बताया कि कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन। जिसके पास ये कृष्ण प्रेम धन नहीं है वो सारे के सारे दरिद्र है, चाहे वो कुबेर हो चाहे इंद्र क्यों ना हो। वास्तविक में धनी कौन है, जिसके पास ये कृष्ण प्रेम धन है। तो कह रहे हैं कि दास करी वेतन मोरे दे प्रेम धन, हे वैष्णव ठाकुर आप मुझे अपना दास बना लो, और आप मुझे क्या करो, वेतन देना। क्या वेतन देना, वेतन में मुझे यही प्रेम धन देना जो ब्रजवासियों का प्रेम है। तो इन सारे स्थानों पे जाके हमें क्या करना है, भीख मांगनी है। कैसे भीख मांगनी है, इन सबसे
बहुत दीनता वचन करते हुए इनसे प्रार्थना करते हुए भीख मांगनी है कि आप भी हमें वो वस्तु दान करो, क्योंकि ये सारे का सारा धाम उन लीलाओं का साक्षी है। नितय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी हम लोग जाएंगे ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट का कथा तो यहीं सुन लिया। ब्रह्मांड घाट दर्शन करके जाएंगे उदुखल बंधन, जहाँ पर मई कृष्णा ने जमला अर्जुन वृक्षों को जहाँ तोड़ा था उसको दर्शन करके फिर हम जाएंगे नंद गोकुल में, जहाँ पर 84 खंभा है वो दर्शन करके फिर हम जाएंगे रावल, जहाँ पर राधा रानी की जन्म स्थान है। इसलिए अभी हम जो शंकर जी का दर्शन किया, इनका नाम क्या था जोर से बोलो, हाँ बोले जहाँ पर आने पर हमारे सारे चिंता हरण हो जाता है। संसार में सबको चिंता है, देखना सब बीमारी का तो दवा है, लेकिन जो चिंता रूपी जो बीमारी है ना, इसका कोई दवा, इसका कोई दवा नहीं है। लेकिन ये शंकर जी को पास में आने पर ये चिंता भी, संसार का चिंता भी दूर हो जाती है। देखो तब तक ये सब चिंता संसार की रहेगी जब तक हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक कृष्ण भक्ति प्राप्ति नहीं हो जाए ना, ये संसार का चिंता कभी भी दूर होने वाले नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, बोले जम लब्ध्वात चापर लाभम मन्यते अधिकम तत। ये सारी चिंता कब दूर होगा? जब जीवन में कृष्ण भक्ति मिली जाएगी ना, समझो तभी सारे चिंता हमारी दूर होने वाले, नहीं तो संसार का चिंता कभी भी दूर होने वाले नहीं। लेकिन ये शंकर जी वह चिंता को भी दूर कर देते हैं, क्योंकि शंकर जी कौन है? ये वैष्णवा नाम जथा संभो, मतलब भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शिव सम को रघुपति व्रतधारी, मतलब शंकर जी के बराबर जगत में कोई भी भगवान की भक्त नहीं, इनके बगैर तो प्रभु का कोई लीला नहीं होता है। जब भगवान राम अवतार में आए, बताओ तो शंकर क्या बनकर के आए थे? हनुमान जी बनकर के आए थे। कहते रुद्र देह तेज नेह बस बानर भाई हनुमान। जब शंकर जी ने देखा ये शंकर जी के स्वरूप में मैं प्रभु को सेवा नहीं कर सकता हूँ, वो हनुमान बनकर के आए। फिर जब भगवान कृष्ण आए, फिर शंकर जी क्या बनकर के आए? कल गए थे ना गोपीश्वर महादेव को, फिर शंकर जी गोपी बन करके आए। यहाँ पर चिंतारण महादेव बन करके आए, और ब्रज में तो शंकर ही शंकर, जहाँ जाओगे शंकर जी को देखोगे बैठे हुए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, बताओ शंकर क्या बन करके आए थे? श्री अद्वैत आचार्य। इन्होंने ही महाप्रभु के जगत में, इन्होंने ही प्रकट किया, श्री शंकर जी ने ही प्रकट किया महाप्रभु के जगत में। इसलिए ये शंकर जी के बगैर कोई लीला नहीं हुई है। शंकर जी हर लीला में, शंकर जी जरूर किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी की सेवा करने के लिए शंकर जी आते हैं। इसलिए शंकर जी, लेकिन साधारण लोग जब शंकर जी खूब दूध चढ़ाते हैं, बम बम भोले बाबा करके जयकार देते हैं, और काबर क्या बोले, काबर लेकर के जाते हैं ना, कावड़िया शंकर जी के ऊपर में, पता नहीं कितना दूर से गंगा पानी चढ़ाने जाते हैं। लेकिन ये जो लोग है ना, ये सांसारिक की कामना वासना को लेकर जाते हैं, शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, बेटा का शादी हो जाए, बेटी की, इसीलिए जाते हैं। लेकिन हम शंकर जी के पास में ये तुच्छ चीज को हम नहीं मांगेंगे। शंकर जी से ऐसे एक चीज मांगेंगे जो एक चीज मिले जीवन में सब चीज मिल जाएगी। इसलिए वो क्या है? भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम है। इसलिए शंकर जी पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी क्या करते हैं? पंचमुख में भगवान की नाम को शंकर जी जप करते हैं, हैं? इसलिए शंकर जी, आपको पता होगा कोई एक ब्राह्मण था, उनने शंकर जी को उपासना की। ध्यान से सुनो, शंकर जी को उपासना की, जब शंकर जी खुश हुए, बोले बेटा बर्मा, बोले मेरे एक बेटी है, बेटी की शादी की लायक हो गई, थोड़ा अगर धन दौलत मिल जाता तो बेटी की शादी करा देते। बोले काम कर, वृंदावन में चले जा, वहां पर श्री एक संत रहते हैं जिसका नाम श्री सनातन गोस्वामी, उनको पास में तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब चल चल कर वो काशी से आए वृंदावन में, देखा फक्कड़ बाबा कुछ है नहीं, कमर तक घुटन तक कपड़े पहने हुए, और हाथ में एक कमंडल एक कंबल, और हाथ में केवल ये झोली माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बाबा के पास में कुछ है नहीं, एक माला झोली, वो तो दुखी हो गए।
शंकर जी इनको पास में भेज दिया, शंकर जी ये सब कुछ इच्छा पूरी करेंगे, खुद उसको पास में कुछ है ही नहीं। इतने सनातन गोस्वामी बोले बताओ क्या चाहते हो, बोले मेरे को विश्वनाथ काशी विश्वनाथ ने भेजा आपको पास में। बोले क्यों, बोले बेटी की शादी देना कुछ पैसा है नहीं, कुछ पैसा की व्यवस्था करो। लेकिन सनातन गोस्वामी पहले कौन थे, वो नवाब का प्राइम मिनिस्टर थे, नवाब का ये प्राइम मिनिस्टर थे ये सनातन गोस्वामी। बोले भैया जब मैं राजपद में था सबको इच्छा पूरी की, अभी तो मैं सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन में घर घर में दो हाँ थोड़ी सी हाँ चून लेकर के घोल करके पी लेता हूँ, नहीं तो रोटी लेकर के दिन भर ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं तो हरि नाम करता, मेरे पास में तो कुछ है नहीं। वो बड़े दुखी होकर के जा रहे थे। इतने में सनातन गोस्वामी ने सोचा शंकर जी जब मेरे पास में भेजा है जरूर कुछ ना कुछ मेरे पास में है। उन्होंने सोचा तो उनको याद आया, उन्होंने जमुना से एक पारस मणि, अब नाम सुने कि नहीं, पारस पत्थर जो लोहे को भी सोना बना देती है, कहते उनको एक पारस मणि मिला था, लेकिन उन्होंने कचड़ा में कूड़ादान में फेंक रखा था, उनको याद अभी तक भी नहीं था। बोले जरूर मेरे पास में कुछ है। जब याद आया बोले बाबा इधर आ जा ब्राह्मण देवता। बोले क्या है, बोले देखो वो कूड़ादान में मेरे को एक पारस मणि मिला था, वो पड़ा होगा। वो तो सुन करके अक्के बक्के चक्के हो गए। बोले सात राजा का धन मिल करके भी एक पारस पत्थर को साथ में बराबर नहीं कर सकते, लेकिन उसने कूड़ादान में फेंक दिया। कूड़ादान में क्या फेंकते हो, घर की कचड़ा उसको फेंकते हैं। बोले कूड़ादान में सचमुच से उनने ढूंढ करके पारस मणि मिला, उसको पास में लोहे की ताबीज थी, उनने टच कराते ही ना सोना हो गया। उसको तो बड़ा आश्चर्य लगा। बोले जरूर इसको पास में जरूर कोई इससे भी कोई बड़ी संपत्ति है, जिस धन में ये धन धनी होकर के ये पारस पत्थर को भी फेंक रखा, जरूर इसको पास में कोई बड़ा संपत्ति है। वो वापस आया, वो बाबा जी के चरण में गिरे। बोले बाबा तुम्हारे पास में ऐसे कौन सा धन है, तुम ऐसे कौन सा धन में धनी बने हो जो पारस पत्थर को कचड़ा में कूड़ादान में फेंक कर रखे, जरूर तेरे पास में इससे भी कोई ज्यादा संपत्ति है, थोड़ा वो धन को दो। बोले सचमुच से चाह रहे हो। बोले हाँ, बोले पहले ये मणि को जमुना में फेंको फिर मेरे पास में आओ। जब आए ना जानते हो क्या दिया, हरिनाम माला दिया उन्होंने, ये हरिनाम माला दिया। बोले बाबा हाँ, बोले संत जी यही ये जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरिनाम ही हाँ पारस पत्थर से भी श्रेष्ठ ये हरिनाम है, इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। इसलिए उनको ऐसे माला और एक झोली पकड़वाया। बोले कहीं जाने का जरूरत नहीं है, पर बैठो और भजन करो, बेटी की शादी की चिंता मत करो, बहुत बढ़िया घर में तुम्हारी शादी हो जाएगी। सचमुच से उनको विश्वास हो गया और ये हरे कृष्ण महामंत्र को उन्होंने जप करके और बहुत बड़े संत बने। इसलिए जो शंकर जी कहते ये सारे चिंता को जो हरण कर देते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, चिंता हरण है। जब तक ये कृष्ण प्रेम नहीं मिले ना, कृष्ण नाम नहीं मिले, तब तक भैया ये चिंता तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। लेकिन जब कृष्ण भक्ति धन में धनी बन जाओगे ना, फिर तो सारे चिंता तुम्हारी दूर हो जाएगा। इसलिए मैया जसोदा ये शंकर जी को आकर के पूजा करती थी। क्यों, जब अघासुर बकासुर तृणावर्त और पुतना आ गई, मैया तो बड़ी चिंता में पड़ी गई, कहते मेरे लला को पीछे ये सब के सब हाथ धो कर पड़ गए, इसलिए ये चिंता कैसे दूर होगी। इसलिए मैया जसोदा ने ये शंकर जी को पूजा करती थी। बोले शंकर जी कृपा करो ये सारे चिंता जैसे मेरी दूर हो जाए। और ये जड़ जगत का चिंता तो दूर करते हैं, लेकिन ये परमार्थ की भक्ति का भी चिंता भी यही दूर करते हैं। और ये भगवत भक्ति दे करके जीवों को प्रेम भी प्रदान करते हैं। इसलिए शंकर जी से एक ही चीज मांगो, हे शंकर जी आप तो सब कुछ दे सकते हो, लेकिन केवल हमें एक ही वस्तु दो, भगवान की प्रेम दो और भगवान की भक्ति हमें प्रदान करो। बोले श्री भोले बाबा की, बोले चिंतारण महादेव की, निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। चलो अभी हम लोग, आप लोग गाड़ी में बैठ जाओ, अभी लोग हम लोग जाएंगे, हम जाएंगे।